फ्रेंड्स, मैं भावना शर्मा आप सभी को नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सी टैट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो सी टैट के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। दोस्तों, जैसे कि अब सी टैट के एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और जो कैंडिडेट सी टैट का एग्जाम देना चाहते हैं वो सी टैट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि सी टैट के एग्जाम के वो कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको कवर करके हम सी टैट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, जो मैंने ये टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, अगर आप सिर्फ ये टॉपिक्स करते हो तो आप फिर भी सी टैट को आराम से क्लियर कर सकते हो। आपको क्या करना है, ये सभी टॉपिक्स सर्च करने हैं यूट्यूब पर या फिर बुक्स से सर्च करने हैं, नोट्स से सर्च करने हैं और इनको अच्छे से कवर करना है, इनको अच्छे से पढ़ना है। दोस्तों, इसमें अपनी समझ पक्की करनी है, अपनी पकड़ बनानी है इन कंसेप्ट में और इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपका एग्जाम दोस्तों आराम से क्रैक हो जाएगा। ये हमारे पास सी टैट के वो क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट हैं जो सभी सब्जेक्ट में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो ये ऑल ओवर सी टैट एग्जाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये सभी टॉपिक्स दोस्तों सीडीपी के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स तो सीडीपी के ही हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के हैं, लेकिन ये दोस्तों ये ऐसे टॉपिक हैं जो मैथ्स पैडागोजी, हिंदी पैडागोजी, ईवीएस पैडागोजी और इंग्लिश पैडागोजी में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स पैडागोजी के हैं और हर सब्जेक्ट में हमारे पास पैडागोजी से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, आपको जैसे कि पता ही होगा सी टैट हमारे पास सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसमें दोस्तों पेपर फर्स्ट में हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं और 150 मार्क्स का एग्जाम होता है और 90 मार्क्स हमें पास होने के लिए लेने होते हैं। और दोस्तों सेकेंड पेपर में हमारे पास 4 सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों, जो हमारे पास पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है, 3 सब्जेक्ट दोनों में ही कॉमन होते हैं। दोस्तों, हमारे पास अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी सीडीपी होती है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास लैंग्वेज फर्स्ट होती है, हिंदी या इंग्लिश जो आपने चूज कर रखी है। लैंग्वेज सेकंड होती है, यहाँ हमारे पास 20 लैंग्वेज में से सिलेक्ट की हुई लैंग्वेज होती है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास मैथमेटिक्स होता है और इसके बाद दोस्तों हमारे पास ईवीएस होती है। अगर हम दोस्तों पेपर सेकंड की बात करें तो ये तीनों को सब्जेक्ट उसमें भी होते हैं, तीनों सब्जेक्ट हमारे पास कॉमन होते हैं। और जो हमारे पास मैथ्स और ईवीएस फर्स्ट पेपर में है, इसकी जगह वहां मैथ्स एंड साइंस, और जो बच्चा आर्ट्स का है उसके पास क्या होगा, सोशल साइंस। तो ये हमारे पास जो एग्जाम का सिलेबस है वो है दोस्तों। दोनों ही पेपर 150-150 मार्क्स के होते हैं। यहाँ ये सीडीपी 30 मार्क्स की होती है, लैंग्वेज फर्स्ट भी 30 मार्क्स की, लैंग्वेज सेकंड भी 30 मार्क्स की, मैथ भी 30 मार्क्स और ईवीएस भी 30 मार्क्स की। और सेकंड पेपर में 90 मार्क्स तो ये एजिटी जोड़ते हैं, इसके बाद 60 मार्क्स का या तो मैथ एंड साइंस होता है या सोशल साइंस होती है। ये हमारे पास पैटर्न है सी टैट के एग्जाम का। 150 मार्क्स का एग्जाम होता है, 90 मार्क्स पास होने के लिए लेने होते हैं, 2.5 घंटे का ये एग्जाम होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, अब की बार एग्जाम है जो वो ऑफलाइन है। तो दोस्तों, आप देखते हैं कि वो ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनको करने के बाद हम सी टैट का एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। यहाँ मैंने सी डी पी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लिख रखे हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक्स हैं हमारे पास, अगर आप इन टॉपिक्स को भी करते हो तो आपका एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जो हिंदी पैडागोजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो ईवीएस पैडागोजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो इंग्लिश पैडागोजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और दोस्तों मैथ्स पैडागोजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। लेकिन दोस्तों, ये ऐसे टॉपिक हैं जो ऑल ओवर एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे। तो सबसे पहले है दोस्तों हमारे पास कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ये क्या है, विकास की अवधारणा। तो ये विकास की अवधारणा दोस्तों एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे आप हर
सब्जेक्ट में क्वेश्चन सोल्व करोगे, मैथ्स में भी, हिंदी में भी, हिंदी पैडागोजी में, इंग्लिश पैडागोजी में, यस पैडागोजी में, साइंस पैडागोजी में, हर पैडागोजी में इससे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो दोस्तों विकास वाला कॉन्सेप्ट है जो, वो आपको बिल्कुल ही क्लियर कर लेना होगा कि विकास किस टाइप से होता है, किस उम्र में कितना विकास होता है, विकास संज्ञानात्मक विकास क्या है, विकास के सभी कॉन्सेप्ट यहाँ आपको क्लियर कर लेने हैं कि विकास जन्म से पूर्व ही स्टार्ट हो जाता है और मरणोपरांत तक चलता रहता है। तो ये हमारा विकास का कॉन्सेप्ट है जो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है दोस्तों पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग, ये तीनों ही दोस्तों, तीनों से ही क्वेश्चन कम से कम दोस्तों यहाँ से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पक्का आते हैं। पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की से CDP में 3 मार्क्स तो दोस्तों कहीं नहीं गए, और पियाजे और वाइगोत्स्की से तो दूसरे सब्जेक्ट की पैडागोजी में भी क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये तीनों ही पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की मोस्ट इम्पोर्टेंट है CTET के एग्जाम के लिए। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास CCE। CCE दोस्तों क्या है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। CCE के द्वारा दोस्तों सिखाया जाता है कि बच्चे का जो मूल्यांकन है दोस्तों वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी दोस्तों CTET के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे भी हर पैडागोजी में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, RTE एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो हमारे पास 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट आया था, उससे भी दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाता है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके बाद है दोस्तों नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क NCF 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। दोस्तों नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क जो हमारे पास 2005 में बनाया गया था, ये यशपाल इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है और उनके उनकी उन्होंने ही इसकी रूपरेखा तैयार की थी। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार जो नियम बनाए गए थे कि किस तरीके से स्कूल में टीचर वर्क करेंगे, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्या उसमें एक्टिविटी करवाई जाएंगी, ये सारा फ्रेमवर्क जो तैयार किया गया है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार किया गया है। दोस्तों ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कम 5 नंबर के क्वेश्चन पक्का CTET एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि समावेशी शिक्षा हमें ये बताती है कि बच्चे में किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं करना है, सभी विभिन्नता वाले बच्चों को एक साथ शिक्षा देनी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी कोई भी भाषा उसके पास उसको बोलने आती हो, उसकी मातृभाषा है जो उसका सम्मान करना है। तो समावेशी शिक्षा बच्चों में डिफरेंस नहीं करती, सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ शिक्षा देनी है, ये इसमें बताया जाता है। और समावेशी शिक्षा से दोस्तों हर पैडागोजी के पार्ट में क्वेश्चन पुट किया जाता है, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर पैडागोजी का जो क्वेश्चन सोल्व करना है वो समावेशी शिक्षा को ध्यान में रखकर ही सोल्व करना है। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। बलून्स टैक्सोनॉमी से दोस्तों क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। ब्लूम का वर्गीकरण इसको हम कहते हैं, इसमें दोस्तों आपके कम से कम भी 2 या 3 मार्क्स पक्के कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों ब्लूम का वर्गीकरण जो आपके पास है इसको आपने पक्का याद कर लेना है, समझ कर लेना है। दोस्तों पैडागोजी को रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि इसमें बच्चे की समझ ही चेक की जाती है। इसमें CTET के एग्जाम में पैडागोजी में ये देखा जाता है कि ये जो कैंडिडेट है वो क्वेश्चन समझ कर सोल्व कर रहा है या नहीं। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा एवं विचार। भाषा एवं विचार एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे हिंदी पैडागोजी, इंग्लिश पैडागोजी, सभी पैडागोजी में दोस्तों पक्का क्वेश्चन पुट किया जाता है। ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो लैंग्वेज है हमारे पास, जैसे हमने लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड चूज कर रखी है, तो इसमें इससे जो दोस्तों क्वेश्चन पक्का पुट किया जाता है, और CDP में भी इससे क्वेश्चन पुट किया जाता है। तो ये ऑल ओवर CTET के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
ये दोस्तों हम हिंदी पैडागोजी, इंग्लिश पैडागोजी, बीएस पैडागोजी और मैथ्स पैडागोजी, सोशल साइंस पैडागोजी में भी इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पैडागोजी, सभी सब्जेक्ट्स की पैडागोजी के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये टॉपिक दोस्तों ऑल ओवर सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास जेंडर, लिंग। जेंडर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमें किसी जेंडर के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, शिक्षा सभी को समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए, जेंडर बायोसिस, लिंग रूढ़िवादिता से भी कई बार क्वेश्चन पुट किए गए हैं। लिंग रूढ़िवादी हमारे पास पहले होते थे तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। हर बार एक क्वेश्चन दोस्तों जेंडर से रिलेटेड जरूर पूछा जाता है। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। मोटिवेशन भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, भाषा अधिगम और अर्जन। भाषा अधिगम और अर्जन से दोस्तों हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन पुट किया जाता है, चाहे वो सीडीपी हो, दोनों लैंग्वेज हो, मैथ्स हो, ईबीएस हो, सोशल साइंस हो, कोई भी हमारे पास पार्ट हो, हर पार्ट में भाषा अधिगम और अर्जन से क्वेश्चन पुट किया जाता है। भाषा अधिगम क्या होता है दोस्तों, जो हम स्कूल में भाषा ज्ञान प्राप्त करते हैं, और अर्जन क्या होता है, जो हम घर पर ग्रहण करते हैं ज्ञान, उसको हम अर्जन बोलते हैं। तो भाषा अधिगम अर्जन हमारे लिए सभी पार्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास डायग्नोस्टिक एंड रेमिडियल टीचिंग, निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण, कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है टीचिंग में और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये इसके अंदर हमें सिखाया जाता है। तो ये हमारे पास जो कंसेप्ट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन हर पेडागोजी में पूछे जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है दोस्तों TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के को पढ़ाते हुए टीचर शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करता है। तो ये टॉपिक भी हर सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें बताया जाता है कि शिक्षण करते समय शिक्षक को किस किस सामग्री का यूज करना चाहिए, तो ये आपने पक्का कर लेना है। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग, एकीकृत शिक्षण। तो ये हमारे पास दोस्तों 15 टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। आपको सीडीपी में तो ये टॉपिक फुल के फुल मिलेंगे ही दोस्तों, इसके साथ साथ अदर्स सब्जेक्ट की पैडागोजी के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे हिंदी पैडागोजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। दोस्तों हमारे पास सीटेट के एग्जाम में हिंदी 30 मार्क्स की आती है, जिसमें हमारे पास 15 मार्क्स की पैडागोजी होती है और 15 मार्क्स के कंटेंट में दो पैसेज हमें गद्यांश और पद्यांश से मिलते हैं। तो दोस्तों पैसेज तो आप दो या तीन चार पैसेज की प्रैक्टिस करके प्रीवियस ईयर पेपर से सॉल्व कर सकते हो। अब बात आती है दोस्तों हिंदी पैडागोजी की। पैडागोजी के लिए दोस्तों ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये टॉपिक अच्छे से समझ के करके जाते हो और इन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो दोस्तों आपके हिंदी पैडागोजी में 15 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। तो दोस्तों हिंदी पैडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, ये अब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारे पास है भाषा अधिगम एवं अधिग्रहण। भाषा अधिगम एवं अधिग्रहण हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों इससे हम सीखते हैं कि हम भाषा को किस प्रकार ग्रहण करते हैं और उसका ज्ञान कैसे अर्जित करते हैं। अधिगम और अधिग्रहण भाषा का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे दोस्तों हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी इससे क्वेश्चन आता है। आगे है दोस्तों हमारे पास भाषाई कौशल। भाषाई कौशल भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी सब्जेक्ट की पैडागोजी के लिए। भाषाई कौशल हमारे पास ये चार होते हैं, लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। ये हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
इसके बाद है दोस्तों हमारे पास शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री भी दोस्तों पैडागोजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर वो सभी सामग्रियों की डिस्कस की जाती है जो शिक्षक को शिक्षा देते समय सहायता करती हैं। जो शिक्षक जिन सामग्रियों का शिक्षक यूज करता है वो सभी सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री होती है। और मैथ, CBS, इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट की पैडागोजी हो उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों है हमारे पास विविध कक्षा में भाषा, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियों और विकास की भाषा ग्रहण करते समय बच्चे को कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं, वो क्या क्या गलतियां करते हैं और उन गलतियों का समाधान किस प्रकार किया जाता है, ये सभी दोस्तों हम इसके अंदर सीखते हैं। तो ये सभी कॉन्सेप्ट हैं जो दोस्तों, ये सभी टॉपिक हैं दोस्तों, चार ही ये टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक्स अगर हम अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हमारे हिंदी पैडागोजी में 15 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। ये हैं दोस्तों हमारे पास इंग्लिश पैडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। दोस्तों हमारे पास इंग्लिश 30 मार्क्स की आती है सीटेट के एग्जाम में, तो 30 मार्क्स में दोस्तों हमारे पास 15 मार्क्स की पैडागोजी होती है और 15 मार्क्स का कंटेंट होता है। 15 मार्क्स के कंटेंट में दोस्तों हमारे पास पैसेज दिए होते हैं तो उनको सॉल्व करके हमने क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं। वो हम प्रीवियस ईयर पेपर से 3-4 पैसेज सोल्व करके प्रैक्टिस करके कवर कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों इंग्लिश पैडागोजी की। इंग्लिश पैडागोजी हमारे पास 15 मार्क्स की होती है। तो अब हम दोस्तों जो ये टॉपिक्स बताएंगे आपको, ये इंग्लिश पैडागोजी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंग्लिश पैडागोजी के 15 क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक में से कवर हो जाएंगे। तो आपको इंग्लिश पैडागोजी के लिए दोस्तों सिर्फ ये टॉपिक्स कवर करने हैं, इनको अच्छे से समझना है और इन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं ताकि आपकी पकड़ अच्छी सी हो जाए इन क्वेश्चनों पर और आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों अब देखो ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हैं हमारे पास लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन हमारे पास इंग्लिश पैडागोजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे ग्रहण करना है, इसमें ये सिखाया जाता है। तो ये हमारे लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है दोस्तों लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स हमारे पास 4 होती हैं, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग। इन्हीं की दोस्तों, इनमें से क्वेश्चन बिल्कुल पक्का आपको एग्जाम में मिलेगा। तो इसकी आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेनी है और ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना है। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जो टीचर यूज करता है क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को शिक्षा देते हुए जो टीचर सामग्री का जिसका यूज करता है वही हमारी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होता है। दोस्तों ये हमारे पास एक इंग्लिश पैडागोजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश पैडागोजी के साथ साथ ये ऑल ओवर सीटेट एग्जाम की पैडागोजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास नंबर 4 पर आता है लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम। की डाइवर्स क्लासरूम में लैंग्वेज कैसे सिखाई जाती है, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, लैंग्वेज सिखाते हुए बच्चों के सामने जो डिफिकल्टीज आती हैं, जो वो गलतियां करते हैं, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स, और उन गलतियों का सुधार कैसे करना है। तो दोस्तों ये हमारे पास इंग्लिश पैडागोजी के 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप ये टॉपिक कर लेते हो तो आपके इंग्लिश पैडागोजी में 15 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। सीटेट के एग्जाम में मैथ दोस्तों 30 मार्क्स का आता है और 30 मार्क्स में से दोस्तों 15 मार्क्स हमारे पास पैडागोजी के होते हैं और 15 मार्क्स के लिए कंटेंट होता है। जो हमारे पास 15 मार्क्स का कंटेंट है उसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों 15 मार्क्स के पैडागोजी की। जो हमारे पास मैथ्स की पैडागोजी है दोस्तों, ये हमारे पास जो 4 टॉपिक्स हैं वो मैथ की पैडागोजी को आराम से कवर कर लेते हैं। तो मैथ्स की पैडागोजी के 15 मार्क्स के लिए दोस्तों आपको सिर्फ ये टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज करने हैं और इन्हीं टॉपिक्स के दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। तो देखो दोस्तों कौन कौन से टॉपिक हैं जो मैथ्स पैडागोजी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैथ पैडागोजी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है दोस्तों टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जो हमारे पास शिक्षण सहायक सामग्री होती है कि मैथ्स के लिए हम
मैथ्स सिखाते हैं बच्चों को तो किस किस सामग्री का यूज करता है टीचर, उसका अध्ययन दोस्तों इसमें किया जाता है। इसके बाद है दोस्तों एजुकेशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स का यूज करके टीचर शिक्षा कैसे बच्चों को देता है, इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये मैथ्स पैडागोजी के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचर मैथ टीचिंग मैथ्स पैडागोजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें बच्चे की बहुत कठिनाइयां देखी जाती है कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और फिर उन प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाता है। तो ये दोस्तों हमारे पास मैथ्स पैडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 टॉपिक्स हैं, जिनको करके आप मैथ्स पैडागोजी के अपने 15 क्वेश्चंस आराम से कवर कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझने हैं और इन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सीटेट के एग्जाम में दोस्तों जो हमारे पास इन्वायरमेंटल स्टडीज होती है वो भी 30 मार्क्स की होती है, और इन्वायरमेंटल स्टडीज में यानी ईवीएस में हमारे पास 15 मार्क्स का कंटेंट होता है और 15 मार्क्स के हमारे पास पैडागोजी होती है। तो अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि ईवीएस में जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको कवर करके हम ईवीएस में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों हमारे पास ईवीएस में जो 6 थीम्स होती हैं उनमें से क्वेश्चन पक्का आता है दोस्तों। ये ईवीएस के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये क्या क्या है दोस्तों हमारे पास, फूड शेल्टर वाटर ट्रैवल थिंग्स वी मेक एंड डू, ये हमारे पास जो 6 थीम्स हैं ये सीटेट में ईवीएस के एग्जाम ईवीएस के सब्जेक्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये पक्का करके जानी है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो ईवीएस पैडागोजी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन से हैं, एक्टिविटीज। दोस्तों जो ईवीएस का हमारे पास सब्जेक्ट है वो 1 से 5th क्लास तक के टीचर के लिए होता है, तो 1 से 5th क्लास तक के बच्चों को एक्टिविटी के द्वारा ज्यादा सिखाया जाता है। जो हमारे पास एक्टिविटी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके सिखाना है, उनको एक्टिविटी में शामिल करना है। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन प्रैक्टिकल वर्क, उनको प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा से ज्यादा देना है, और हमारा जो करिकुलम है वो भी ये कहता है कि बच्चे को करके सिखाने पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। तो ये हमारे पास सेकंड टॉपिक है जो दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है दोस्तों डिस्कशन, बच्चे को डिस्कशन में अधिक से अधिक इन्वॉल्व करना है, ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस इंटीग्रेटेड ईवीएस, ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पेपर में जरूर आपको मिलेंगे, तो ये टॉपिक भी आपको करके जाना है। इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, तो दोस्तों ये हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं जो ईवीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स करके जाने हैं दोस्तों आपको, और इसके साथ साथ इन्हीं टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करके जाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपके एग्जाम में ईवीएस में अच्छे मार्क्स बन जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया जो कि सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।